आरोग्य जागृति। मेरा नाम डॉक्टर सचिन सूर्यकांत जोशी। मेरा हॉस्पिटल है शंकर चेस्ट हॉस्पिटल, जो कि प्लॉट नंबर 24 जय विश्व भारती कॉलोनी जवाहर कॉलोनी में है, चेतकपुरे के पास। और मैं यहाँ 12 साल से एज ए चेस्ट फिजिशियन बोल के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बार बार सर्दी होने से अस्थमा के अटैक बढ़ते हैं, ऐसा बताया गया। क्योंकि अस्थमा के अटैक का मेन कारण ही सर्दी होती है। सर्दी बार बार होने से अस्थमा की संभावना ज्यादा हो जाता है। सर, अस्थमा के लिए इनहेलर दिया जाता है, वह हानिकारक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इनहेलर ये सबसे असरदार इलाज है अस्थमा के लिए। इनहेलर जो है, जहाँ अपना डिसीज है, जहाँ अपनी बीमारी है, वहाँ जाके ही वो काम करता है। इसीलिए इनहेलर ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए। सर, अस्थमा के पेशेंट के लिए जैसा बताया गया, बाहर खेलो मत, बाहर घूमो मत, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बोलूंगा कि अस्थमा के पेशेंट ने सब एक्टिविटीज करनी चाहिए, कोई भी एक्टिविटी यानी कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। जो पेशेंट जो इनहेलर्स है वो डेली बेसिस पे लेते हैं, उन्होंने सब एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जो अपने हॉबीज है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, ऐसा गैर समझे सर, क्या एसी और इसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसमें आपका क्या है, एलर्जी होती है? मैं तो बोलता हूँ एसी में भी आप जो है एसी कौन से टाइप का यूज करते हैं, और यानी कि वो एसी की आप रेगुलर सर्विसिंग करते हैं या नहीं है, क्योंकि वो एसी में जो है समझो ज्यादा धूल अगर हो गई, फंगस ग्रो हो गए, तो अस्थमा के पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एसी की जो ये यानी कि 26 या 24 तक टेम्परेचर अगर रहे, तो अस्थमा के पेशेंट इजीली उसमें अडेप्ट कर सकते हैं। अस्थमा के पेशेंट की जो श्वास नलिका है, इसमें कुछ कमी आती है, इसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है? ये बिल्कुल नहीं है। अस्थमा के पेशेंट की जो नली रहती है, सांस की नली, वो एकदम नॉर्मल रहती है। अगर जो जैसे ट्रिगर्स रहते हैं अस्थमा के लिए, जैसे धूल है, पोल्यूशन है, एक्सरसाइज है, यानी कि ज्यादा उनके एक्सपेक्टेशन ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने किए, तो ये ट्रिगर्स के कारण उसमें सूजन आ जाती है। और जब अस्थमा का अटैक आता है, तब वो टाइम के लिए वो नलिका थोड़ी देर के लिए छोटी हो जाती है। अगर अपन ने रेगुलर इनहेलर्स यूज किए, तो वो नलिका नॉर्मल रहती है, जैसी अपनी रहती है। अस्थमा का अटैक किसकी वजह से आ सकते हैं? अस्थमा के अटैक आने के प्रमुख कारण है कि एलर्जी, जैसी डस्ट की एलर्जी है, कोई अगर समझो ये जो स्प्रेज रहते हैं, डिओड्रेंट स्प्रेज वो यूज करते हैं उनको, अगर समझो किसी के घर में लोकर वाले प्राणी हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनके वो लोकर की वजह से भी आ सकते हैं। अगर समझो कोई स्मोकिंग वगैरह करते हैं घर में, तो वो स्मोक इनहेल करने से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस है, तो उसके वजह से भी आ सकता है। और जो कुछ यानी कि जैसे चूल्हा स्मोक है, चूल्हे की स्मोक की वजह से भी अस्थमा का अटैक। सर, अस्थमा का बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर होता है, ऐसा क्यों, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि छोटे बच्चों में जो है पहले से इम्यूनिटी कम रहती है, उनमें कोल्ड और कफ की ज़्यादा मात्रा रहती है, उसकी वजह से उनमें अस्थमा के अटैक्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और बच्चों की जो है खेलने की उम्र ज़्यादा रहती है, तो वो खेलने में कितना खेलना चाहिए, कितना एक्सर्शन करना चाहिए, उसकी उनको ज़्यादा समझ नहीं रहती, वो ज़्यादा खेलने लगते हैं। और एक्सरसाइज यानी कि ज़्यादा खेलना इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर अस्थमा के लिए है, उनमें कोल्ड कफ और एक्सरसाइज की वजह से ज़्यादा ये रह सकता है। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए, इसलिए माता पिता ने क्या उनको प्रिकॉशन लेना है? कैसा है कि हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा गैर समझ है इनहेलर्स के बारे में, कि अभी बचपन से ही हमने इनहेलर्स लेना है क्या, तो अस्थमा के पेशेंट ने बचपन से ही इनहेलर्स लेना चाहिए, उससे उनके फेफड़े अच्छे रहेंगे और वो फिर सब खेल खेल सकेंगे। जैसे आउटडोर गेम्स ज़्यादा अपन उनको खेलने को बोलते हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि सब गेम्स उन्होंने खेलना चाहिए, डेली एक्सरसाइज जैसे रनिंग करना चाहिए, प्राणायाम योगा भी करना चाहिए। श्वास नलिका में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आए, इसके लिए
पेशेंट ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? इसके लिए पेशेंट ने रेगुलर इनहेलर मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह से यूज करना चाहिए, और दूसरा जो है अपने डाइट में भी मॉडिफिकेशन करने चाहिए, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। सर, अस्थमा के पेशेंट ने अगर प्रॉपरली इलाज नहीं किया तो वो क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। समझो फेफड़ा अगर बहुत कमज़ोर हो गया जिसने इनहेलर्स नहीं लिया, तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है टीबी होने की, हो सकती है। सर, ऐसे रुग्णों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए चेस्ट फिजिशियन के माध्यम? एज ए चेस्ट फिजिशियन तो मैं ऐसा ये कर रहा हूँ सब पब्लिक से कि आपने जो है, अगर आपको अस्थमा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप मन से ये निकाल दीजिए मुझे अस्थमा है, अस्थमा है। जैसे अस्थमा अमिताभ बच्चन को है, सोनिया गांधी को है, प्रियंका चोपड़ा को है, तो ये लोग देखिए आप कितनी ऊंचाई पर गए। तो अस्थमा से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको जिंदगी में करना है उसको आपको लिमिटेशन आ सकती है। आप सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं, मगर अगर आपने डॉक्टर की सलाह से इनहेलर्स रेगुलरली यूज़ किए तो आपकी बॉडी एकदम अच्छी रहेगी, फिट रहेगी, और आप जिंदगी में जो चाहे वो कर सकेंगे।